हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदा निटिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया डिजाइन लेके आई हूँ जो बहुत सुंदर लगता है। छोटी छोटी सी टैग बन के आता है, सिर्फ चार सिलाइयों का डिजाइन है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, कार्डिगन, ब्लाउज, जैन स्वेटर, सभी में बन के बहुत ही अच्छा लगता है, बनाने में बहुत ईजी है। इसमें मैंने टोटल 35 फंदे ले रखे हैं और ये डिजाइन हमारा बैग से बनता है, बैग से बन के आता है। और इसमें मेरे टोटल 8 डिजाइन आ रखे हैं। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप जैसे मैंने बना रखा है इसी तरह बैग से बॉर्डर डाल के आप इसी तरह शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पहला फंदा उतारेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे, ये टोटल हमारे 3 हो गए। यहाँ पे धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम उतार लेंगे और धागा इसमें आगे ही रहने देंगे। और यहाँ से हमको इस ऐसे लपेटे से लेना है, ये 3 फंदे सीधे करने हैं यहाँ से हमको। इससे हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा, लपेटा बढ़ जाएगा। एक फंदा उतारेंगे इस तरह, धागा सिलाई में डाल के इसी धागा अपनी तरफ भी रहने के और सीधा बनाएंगे इसको 3 फंदे। इससे यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारेंगे और इस तरह 1 2 3। ये धागा अपनी तरफ, सेम रिपीट पूरे सिलाई में हमको यही रिपीट करना है, सेम इसी तरह रिपीट होगा। और तीन फंदे बनाने हैं, ये उतारना है और ये इसी तरह मैं पूरे सिलाई बना लेती हूँ। धागा अपनी तरफ करके इसको उतारना है। देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, ये धागा अपनी तरफ है, देखिए ये बना लिया मैंने। इसको उतारेंगे और ये 3 फंदे फिर सीधे बना लेंगे, 1 2 और ये 3। 3 फंदे हो गए। अब ये सीधी सिलाई है, डिजाइन की दूसरी रो है। 2 फंदे पहले उल्टे बना लिए मैंने। अब ये एक जो हमने एक उतारा था और एक लपेटा था, उन दोनों को यहाँ से ये एक बार और लपेट लेके इसमें उतार देंगे। 3 फंदों को बनाना नहीं है और ये 1 2 और ये 3। 3 फंदे उल्टे बनाने, धागा भी अपनी तरफ रखेंगे और ये 2 फंदे उतार देंगे। एक जो हमने पहले उतारा था, दूसरा हमने लपेटा था, उन दोनों को और एक बार इसमें फिर से लपेट देंगे इस तरह और इनको तीनों को उतार देंगे और फिर 3 फंदे उल्टे बनेंगे। ये 2 फंदे उतारेंगे और एक बार लपेटेंगे और ये 2 और ये 3। ये सेम ही रिपीट करना है हमको। ये पूरी इस सिलाई में, ये दूसरी डिजाइन की दूसरी रो है, तो इस रो में पूरे इसी तरह रिपीट होगा, पूरा सेम ही। 3 फंदे उतारने हैं ये और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनेंगे। इसी तरह मैं बना लेती हूँ। देखिए मैंने बना ली है पूरी सिलाई सेम रिपीट करते हुए। अब इसकी बैक रो है, ये तीसरी सिलाई है। पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब जो हमने ये 3 फंदे जो एक ही से लपेटे हुए 3 बनाए थे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये तीनों को एक साथ सिलाई में डालेंगे और इसमें से एक फंदे से 3 फंदे बना लेंगे और इसको बना लेंगे। एक ही में से 3 फंदे बनाने हैं, फिर 1 और ये 2 और ये 3। 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे और धागा अपनी तरफ, ये एक ही में से जो 3 लपेटे हुए थे ना, इनको तीनों का एक करना है हमको और इसी में से 3 फंदे बनाने। ऐसे लपेट लेंगे, एक बार और बनाएंगे तो 1 से 3 हो गए हमारे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे और ये 1 से 3।
तीन फंदे सीधे। ये तीसरी रो पूरी यही सेम रिपीट करना है हमको। बहुत ईजी डिजाइन है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर में, छोटी सी बिनाई है, बहुत अच्छा लगता है जेंट्स स्वेटर में, ब्लाउज में। इस तरह मैंने ये पूरी सिलाई बना ली है। अब मैं इसकी ये चौथी रो है हमारी, सीधी रो साइड से एक फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना। अब ये यहाँ पे एक जो दो उल्टे थे उसमें से एक दो का एक करेंगे, सामने की सिलाई डाल के जो तीन बनाए थे उन्हीं में से पहला फंदा जो बीच वाला है इसको सीधा बनाएंगे, और जो इस साइड का है इन दोनों में से पीछे से सिलाई डाल के दो का एक कर लेंगे, और बीच में एक उल्टा आएगा। और यहाँ पे भी सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। ये तीन फंदों में पहला वाला फंदा इस साइड से कटेगा और ये फंदा सीधा, और ये दो का एक हो जाएगा। ये इस तरह बन गया आता है हमारा, एक सिलाई एक ही फंदा उल्टा। फिर सेम रिपीट करना है, इसको यहाँ से बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये दो का एक करेंगे यहाँ पे, फिर सीधा उल्टा बनाएंगे एक फंदा और ये दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। यही सेम रिपीट करते हुए पूरी सिलाई बनेगी हमारी ये। इसी तरह देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ, ये बना लिया है। यहाँ पे हम ये दो का एक करेंगे और एक फंदा उल्टा आएगा हमारा। अब यही चार सिलाई आपको बार बार रिपीट करते जानी है, और इसी तरह ऊपर ऊपर को आपको बन के आएगा ये। इन्हीं चार सिलाइयों को बनाते जाइए, आपका डिजाइन बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वही फर्स्ट जो हमने फर्स्ट में जैसे डाला था उसी तरह डालना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अभी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स।